हरिद्वार में पिछले कई सालों से व्यवस्था पर कार्यरत 350 से ज्यादा शिक्षकों को अब अपने मूल स्कूलों में लौटना पड़ेगा। मुख्य शिक्षा अधिकारी SP सेमवाल ने इस संबंध में सभी उप शिक्षा अधिकारियों को आदेश जारी कर दिया है। CEO ने कहा कि अप्रैल में नया शैक्षणिक सत्र जो है वो शुरू हो रहा है। शिक्षक स्तर सुधारने के लिए राजकीय प्राथमिक और उच्च प्राथमिक स्कूलों में व्यवस्था और कार्योजित प्रधानाध्यापक और सहायक टीचरों को कार्यमुक्त किया जा रहा है। बता दें, स्कूलों में शिक्षकों की कमी को देखते हुए विभाग ने व्यवस्था पर शिक्षकों का अटैचमेंट एक स्कूल से दूसरे स्कूल किया था, जिससे बच्चों की पढ़ाई प्रभावित ना हो, जिसे शिक्षा अधिकारी ने खत्म कर दिया है। समायोजन से पहले हम चाहते हैं कि चाहे वो शिक्षक बहुत ही वाजिब कारणों से एक स्कूल से दूसरे स्कूल में कार्यरत है, लेकिन पहले वो अपने कार्य का जो आदेश हमारा है उसका पालन करेंगे। सारी संबद्धताएं, सारे समायोजन हमने समाप्त कर दिए हैं। पहले वो मूल विद्यालय में जाएंगे और उसके बाद शासन और निदेशालय का निर्देश होगा। उस क्रम में हम लोग PTR के हिसाब से, छात्र शिक्षक अनुपात के हिसाब से समायोजन की प्रक्रिया शुरू कर रहे हैं, प्राथमिक स्कूलों में भी और जूनियर हाई स्कूलों में। ये एक महत्वपूर्ण कारण है।